Before we start the review, listen to these two pieces. There are people who know what they wanna be. Been feeling like everyone knows but me. आप गेस कर सकते हैं ये दो पीसेस और इस एल्बम के बीच में कॉमन क्या है. कीप वॉचिंग, आई लेट यू नो. लेट्स जस्ट बिगिन स्ट्रेट अवे. सॉन्ग नंबर वन, दिलकश. दिलकश सजा ये दीजे, जुर्मे हंसी हाय कीजे. गाना सेटल गिटार्स के साथ स्टार्ट होता है, फिर तलत अजीज साहब की आवाज आती है. इस वॉइस इज वेरी डिग्निफाइड, वेरी सॉफ्ट, और गजल के जितने न्यूआंसेस है वो इस गाने में लेके आते हैं. ये गाना 3-4 टाइम सिग्नेचर में है और हमारे टिपिकल बॉलीवुड अंतरा मुखड़ा के फॉर्मेट में है, बट बॉलीवुड गाने की तरह लगता नहीं क्योंकि इसका अरेंजमेंट बहुत अलग और बहुत यूनिक. इस गाने में रिदमिक एलिमेंट्स ना के बराबर है, बहुत मिनिमल है. गाने में बड़े बड़े फ्लूट के इंटरल्यूड्स है, लंबे, वो इस गाने को बहुत सूदिंग बनाते हैं. लिरिक्स आर वेरी सिंपल येट प्रोफाउंड, बहुत गहरी बातें कर जाते हैं आसान शब्दों में. कबीर का भी एक रेफरेंस आता है, ढाई आकर प्रीत के. तो ये बहुत अच्छा लगा देख के कि आजकल के 2023 के एक मॉडर्न एल्बम में कबीर भी रेफरेंस्ड है. सॉन्ग नंबर टू, सपनों के पाखी. नींदों में पाखी पलकों के द्वारे उतरे, कोई चंदा सितारों के रथ पे परियों की डोली. कोई ये एक ललबा है, एक लोरी है जो सपनों के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है. सपने वो नहीं जो बंदा सोते हुए देखता है, फैमिली में जितने लोग हैं उनके कलेक्टिव एस्पिरेशंस और ड्रीम्स की बात करता है. गाना एक सिंथ फ्लूट के साथ स्टार्ट होता है, गाने में चेलो बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया गया है. अगेन रिदमिक एलिमेंट्स कम है, बहुत वियर्ड टाइप के परकशन है जो गाने को एक अलग टेक्सचर देते हैं, सूदिंग बनाते हैं. कविता सेठ्स वॉइस जस्ट साउंड्स मैजिकल एथीरियल, बट उसी समय रॉ भी लगती है और बहुत रियल लगती है आवाज. अब चलते हैं अगले गाने पे जिसका नाम है वो घर. पियानो कॉर्ड्स और उत्सवी झा के वेस्टर्नाइज वोकल्स के साथ ये गाना स्टार्ट होता है. अगेन बाकी गानों की तरह बहुत ही लेड बैक, सूदिंग, काम टाइप का गाना है ये भी. उत्सवी झा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, मैंने उनके कुछ गाने सुन रखे हैं, तो ये गाने में भी वो इंडिपेंडेंट सॉन्ग का वाइब है. अगर आप ये गाना सुनोगे आपको लगेगा नहीं ये किसी बॉलीवुड फिल्म का गाना है, आपको लगेगा ये स्पॉटिफाई के किसी इंडी प्लेलिस्ट पे आप सुन रहे हो. लिरिकली दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सॉन्ग रिटन बाय शेली इन दिस एल्बम. इसमें घर के जितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे दीवारें, कमरे, दरवाजे, इन सब को पर्सोनिफाई किया गया है. ये महज ये चीज़ें नहीं हैं, इससे बढ़ के कुछ है. ये फैमिली के ख्वाब से, उनके रिलेशन से, उनके इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं. वेरी वेल डन. फाइनल सॉन्ग ऑफ द एल्बम होरी में. As the name suggests, ये गाना होली के बारे में है, तो फागुन और स्प्रिंग सीजन के बारे में बहुत से रेफरेंसेस हैं. इस गाने की मेलेडी जो है वो फोक टाइप की है, होली के गानों की तरह ही है, लेकिन इसका बीट जो है वो काफी वेस्टर्न है. ये गाना मुझे गेंदा फूल गाने की याद दिलाता है फ्रॉम दिल्ली 6. हालांकि दोनों गानों में देर इज नथिंग सिमिलर ट्यून वाइज या अरेंजमेंट प्रोडक्शन वाइज, लेकिन जो अप्रोच लिया गया था कि एक ट्रेडिशनल फोकिश सा धुन होगा, मेलेडी लेंगे और उस पर एक वेस्टर्नाइज बीट हम डालेंगे, तो वो अप्रोच मुझे यहाँ बहुत सिमिलर लगा. कविता सेठ्स वॉइस साउंड्स अगेन रियली ब्यूटीफुल इन दिस सॉन्ग एज वेल. द कोरस दैट सिंग्स विद हर ऑल्सो साउंड्स लाइक दे आर रियल पीपल एंड दे आर नॉट लाइक ट्रेन्ड सिंगर्स बट पीपल इन अ फैमिली हु वुड सिंग टुगेदर. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दोज टू पीसेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाए. The composer of this album, Gulmohar, and those two pieces is the same guy. His name is Siddharth Khosla. Siddharth Khosla aur Alan Demos ne ye album Gulmohar compose kiya hai and I really liked it. Kafi unique album hai. Do you know why this album sounds so different and unique? Itna hatke kyu sound karta hai ye album?
It's because both of these guys are not really Indian. Siddharth is of Indian origin, lekin wo bhi US ke hain. So when they come here and do music for a Bollywood film, their reference is not Bollywood. To jo Bollywood ke traditional formula hai, ya Bollywood jo apne aap ko repeat karte rehta hai, kuch naya experiment karne mein darta hai, wo ye nahi karenge kyunki inhone jo music absorb kiya hai, sikha hai, sari zindagi suna hai, हो सकता है कि वो बॉलीवुड म्यूजिक ना हो, हो सकता है उनकी म्यूजिक टेस्ट और सोर्सेस कंप्लीटली अलग हो, जो मुझे लगता है और वो इस एल्बम में झलकता है. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द रिव्यू एज वेल. इफ यू डिड, प्लीज हिट द लाइक बटन, चेक आउट अदर स्टफ ऑन माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर लो यार, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, ताकि जब भी नया वीडियो आए यू गेट इंस्टेंटली नोटिफाइड. विद ऑल दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में. बाय.